आप देख रहे हैं दानी जैदी दादारी, आपका अपना चैनल है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे इंशाल्लाह। आप तमामी हजरात का बेपना मशकूल का आखिरी वक्त तक इसमें फख्तर है। खुदा उनका खसूस वक्त तक यहाँ तशरीफ रखते हैं जो किसी भी तरीके से इस महफूल में शरीक हुए हैं। अल्लाह पंजीत पाक के सबके में उनकी तमाम नेक मुरादें पूरी करें। कुछ जो बीमार है उनको शिफाजा फरमाए, जो लालात हैं उनको आबाद पता फरमाए। आइए इस महफूल के आखिरी दुआ वालेकुम अस्सलाम। क्या बदतमीजी। देखिए रात जलाल उनका जब मिसरा था कि तय दफानों की जमीन है और कदम सजा पेश कर तस्किरे करते रहेंगे दम बदम सचा के तस्किरे करते रहेंगे दम बदम सजाद के तम कदम सजाद के और क्यों के है सजाद और क्यों के है सजाद अपने और हम सजाद करते रहेंगे तम कदम के मुंतकिल करबो बला से सबुर की मेराज तक मुंतकिल करबो बला से सबुर की मेराज तक कुछ कदम दे नबे और कुछ कदम दे नबो के देखे कुछ कदम करते रहेंगे तम बतम सजाद के तम बतम सजाद के और तजमीन का शेर मिला और कैद खाना जानता है ये इमाम वक्त है कैद खाना जानता है ये इमाम वक्त है और कैद खानों की जबी है और कदम सचा बिले यकी है मेरी नजरों में वो राह मुस्तकीम बिल यकी है मेरी नजरों में वो राह मुस्तकीम यानी है जिस राह पर नक्शे कदम सचाद के तस्किरे करते रहेंगे बाबा के बंधु।
अपना लो ऐ लोगो तुम भी रसता अहले बैत का, रसता अहले बैत का। अपना लो ऐ लोगो तुम भी, अपना लो ऐ लोगो तुम भी, रसता अहले बैत का। खुल्द से मिलता, खुल्द से मिलता है ये रसता सीधा अहले बैत का, सीधा अहले बैत का। खुल्द से मिलता है ये रास्ता सीधा अहले बैत का, सीधा अहले बैत का। और मुराद कर ले, दोनों आलम में है लोगों, क्या क्या अहले बैत का, क्या क्या अहले बैत का। दोनों आलम में जो भी बनाया रब ने वो है सारा अहले बैत का। जिक्र है दर रुकाना रुकेगा, जिक्र है दर रुकाना रुकेगा, और ये हमेशा चला है चलेगा। जिक्र है, और जिक्र है दर रुकाना रुकेगा, और जिक्र है दर रुकाना रुकेगा, और ये हमेशा चला है चलेगा। और नाम है दर से जो भी जलेगा, और नाम है दर से जो भी जलेगा, और देख ले ना वो जले जल मरेगा। आवाज़ बहुत ही रफ्तार से
अच्छा पढ़ रहा है माशाल्लाह। और जिसने गिरते हुए को संभाला, और जिसने गिरते हुए को संभाला, और डूबता जिसने सूरज निकाला, और डूबता जिसने सूरज निकाला, और जिसके सदके में है ये उजाला, और ये भी बतौर खास समाज कर ले। और क्या फजीलत है मौला अली की, और क्या हकीकत है मौला अली की, और देख लेंगे सभी रोज महशर, और राज क्या है ये सब पे खुलेगा, देख लेंगे सभी रोज महशर, राज क्या है ये सब पे खुलेगा। और ये मतलब खास तारीख के हवाले से कर ले। और आसमान की करो है जरूरत, और लेके आओ कोई झूठी मैयत, गर अली चाहे हो जाए मुर्दा, गर अली चाहे हो जाए मुर्दा, इनके ठोकर से जिंदा उठेगा। नारे हैदरी, एक नारा हैदरी, तू है वलिया का वली, तू है वलिया का वली, दुश्मन तेरा लानती, तोड़ दे दुश्मन की नली, हैदरी नारे सलावत, दिल के अरमान निकलेंगे सारे, और दिल के अरमान निकलेंगे सारे, पर खुद के उसको होंगे नजारे, और तुम ये ऐलान कर दो कुरैशी, और पंजे तले से जो उल्फत रखे, बाबा जब कुछ पैसे कुछ नहीं मिले, और कुछ पूरा पढ़ता है आया चौदह सितारों से हुआ नूरे, हुआ नूरे खुदा, क्या कहने हैं, हुआ नूरे खुदा जग में आया चौदह सितारों से, जिंदाबाद हुआ नूरे का
के खुदा ने जगी मगाए दो जहां चौदह सितारों से और खुदा ने जगी मगाए दो जहां चौदह सितारों से और हुए रोशन जमीनों आसमां चौदह हमारी इस मुबारक महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हो, नज़्म के सिलसिले का आगाज नात पाक से हुआ और उसके बाद मेजबानी का सिलसिला शुरू हुआ। जैसा कि इस महफिल का आगाज हमने अपने मुकामी शोरा करा अपने मुकामी मकान से किया था, मैं चाहता हूँ कि इस महफिल का नजमी सिलसिले का इख्तिताम भी हमारे मुकामी फनकार की हैसियत से भी हुआ। उसमें मैंने जानबूझ कर एक दौर रुका हुआ था, हुआ जनाब जवाद हुसैन साहब का। मैं पहले नंबर हुसैन साहब के लिए पूरी बड़ा को इतराज में खराज करूँगा कि वो बार गया है जहाँ पर मासूम में अपना नजराने अकीदत पेश करूँगा। उसके बाद खत्म दुआ के लिए आज की इस मुबारक और तुम महफिल का सदर मदर इंतमाद करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और सदर तब वह दुआ से इस महफिल का आयदा सब तक के इंतजाम को ऐलान करूँगा। मैं बड़ा दर्श दरखार गुजार जनाब सलमान हुसैन साहब की सिद्धत पे वो तशरीफ लाएँ और अपना नजराना अकीदत पार का एक मौका पेश करूँगा। आपसे दरख्वास्त के बाद चार मिसरे मैं जो मेरे वालिद साहब आवाज करते थे मैं चुका इस्लाम हमारा मज़हब है हम शान मुसलमान रखते हैं इस्लाम हमारा मज़हब है हम शान मुसलमान रखते हैं और ये बात हमी को है देवा हम खैब पे में इतरत का दामन एक हाथ में पूरा नारे सलवार
भरा है कितने रंगों से जहां, चौदह सितारों से भरा है कितने रंगों से जहां, चौदह सितारों से नजर आता है एक बाबे जिना مشتاق ہیں ان کو جو زیارت سے مشرف فرما، جو ممکن یہاں پر حاضر ہیں
ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام پریشانی کو دور فرما، بیماری سید سجاد کا واسطہ، جو بیمار ہیں گھر میں ہیں یا اسپتال میں ہیں، پروردگار ان کو شفا کامل عطا فرما، الہی آمین. معبود پنجتن پاک کا واسطہ، وہ افراد جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مرین عطا فرما، جناب مسلم کے قرضے کا واسطہ، جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرض سبک دوشی عطا فرما، اعتباط عالیات کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، مگر کربلا کاظمین خراسان مکہ مدینہ سب کو آباد فرما، جنت البقیع جو اس وقت ویران ہے پروردگارا، پنجتن پاک کا واسطہ، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما. معبود یہ جشن ہر سال کی طرح انشاءاللہ آئندہ سال تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، وہ حضرات جو یہاں شریک ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لہٰذا جناب فاطمہ زہرا حسن شہادت معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے آپ آواز بلند نعرہ صلوات اللہ اور یہ دعا جو امام زمان عبداللہ تعالیٰ فرض شریف سے ہے ان کی ظہور کے لیے آپ سب مل کر دعا پڑھیں، تاکہ ہم چونکہ دعا کا وقت ہے اور اہم چیز اس پوری محفل کی وہ دعا ہے، سب مل کر دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا برائے خوشنودی امام زمان عبداللہ تعالیٰ فرض شریف بابا کے بلند نعرہ صلوا نبی کی جو تمہیں پالے نبی کی جو تمہیں پالے نبی کی جو تمہیں پالے حرم کی چھاؤں کے تلے وہ جو شیار بلے بلے کتا بھوکے تھے مرحلے علی کا جو غلام ہے علی کا جو غلام ہے علی علی سے کام ہے یہ نہ مسعود و شام ہے یہ نہ رضا مدام ہے اسکاری ہوا جو حکم سروری نہ دیر کر میرے جری تھکے تھکے تھے لشکاری مجھے بجھے تھے اسکاری ہوا جو حکم سروری نہ دیر کر میرے جری پر دکھا دے شان ہے ہوا چل
ये खाने के